नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं सेंसर के, हमारे फ़ोन में कौन कौन से सेंसर होते हैं। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो आपने सेंसर का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि आपके फ़ोन में भी कई सारे सेंसर लगे होते हैं जो फ़ोन को यूज़ करते वक्त आपकी मदद करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके फ़ोन में भी कौन कौन से सेंसर हैं और वो क्या क्या काम करते हैं? नहीं मालूम तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम सेंसर के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि सेंसर क्या होते हैं और ये क्या क्या काम आते हैं, साथ ही हमारे स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले मुख्य सेंसर कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंसर क्या, हमारे फ़ोन में कौन कौन से सेंसर होते हैं। सेंसर शब्द का शाब्दार्थिक अर्थ सेंस करने वाला, था धनु या महसूस करने वाला। दरअसल सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो किसी वस्तु की स्थिति, दिशा, गति और तापमान जैसी चीज़ों को महसूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो सेंसर का इस्तेमाल बहुत से उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि फिटनेस बैंड, स्मार्ट टीवी, रोबोट, सैटेलाइट आदि। लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह हम इंसान सर्दी और गर्मी को महसूस कर सकते हैं, ठीक वैसे ही हमारा स्मार्टफोन भी इन सेंसरों की मदद से बहुत सी चीज़ों को महसूस कर सकता है। सेंसर का क्या काम होता है। दरअसल हमारे स्मार्टफोन में अलग अलग तरह के कई सारे सेंसर होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है, लेकिन इन सबका मकसद एक ही होता है, स्मार्टफोन को बेहतर ढंग से यूज़ करने में सहयोग करना, अर्थात स्मार्टफोन की उपयोगिता बढ़ाना। क्योंकि सेंसर की वजह से एक स्मार्टफोन को यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। कैसे, चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कार रेसिंग गेम खेल रहे हैं और कार को दाएं बाएं मोड़ने के लिए आपको बार बार फोन की स्क्रीन पर टैप करना है। लेकिन अगर आप फोन में जायरोस्कोप सेंसर लगा दिया जाए तो आपकी स्क्रीन पर टैप करने वाले काम से छुटकारा मिल जाएगा और आप फिर फोन को दाएं बाएं झुकाकर ही कार को मनचाही दिशा में मोड़ पाएंगे। ठीक इसी तरह हमारे फोन में और भी बहुत सारे सेंसर होते हैं जो अलग अलग काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइए जानते हैं इनमें इनके बारे में एक एक करके। एक्सीलेरोमीटर, यह बहुत ही कॉमन और ज़रूरी सेंसर है जो लगभग हर फोन में देखने को मिल जाएगा। इसका काम है कि फ़ोन के सॉफ्टवेयर को यह बताना कि आपके फ़ोन को किस तरह से पकड़ रखा है, यानी कि सीधा पकड़ रखा है या आड़ा। उसी हिसाब से यह फ़ोन की स्क्रीन को रोटेट कर देता है, यानी कि घुमा देता है। आपने अपने फ़ोन में ऑटो रोटेट का ऑप्शन तो ज़रूर देखा होगा, वह इसी सेंसर की मदद से काम करता है। वीडियो देखते वक्त यह सेंसर आपकी खूब मदद करता है। जायरोस्कोप, यह एक्सीलरोमीटर का ही उन्नत संस्करण है, एडवांस वर्जन है, जो आपको एक्यूरेट बता देता है कि आपके फ़ोन को किस एंगल से पकड़ रखा है और आपका फ़ोन किस तरह कितने डिग्री पर झुका हुआ है। यह सेंसर 360 डिग्री वीडियो देखने के लिए भी यूज़ होता है, साथ ही इसकी मदद से आप 360 डिग्री वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप पनोरमा मोड में कई फोटो क्लिक करते हैं तो इसमें भी यह सेंसर आपकी काफ़ी मदद करता है, और वीडियो गेम्स खेलने में भी तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि जब आप अपने फोन में कार रेसिंग जैसे कई गेम्स खेलते हैं तो यह फोन को दाएं बाएं और ऊपर नीचे करके आप कार को कंट्रोल कर सकते हैं। यह सब इसी सेंसर की मदद से होता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यह सेंसर भी आपको करीब करीब सभी फोन्स में देखने को मिल जाएगा। यह बेसिकली कई सारे काम करता है। यह फोन के आसपास होने वाली हलचल का पता लगा लेता है और उसकी फोन से दूरी भी माप लेता है। आपने देखा होगा कि जब आप कॉल करते वक्त आप फोन को अपने कान के पास लेकर जाते हैं तो उसकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। उसके दो फायदे होते हैं, पहला फोन की बैटरी बचती है और दूसरा अगर आप फोन की स्क्रीन चेहरे से टच भी हो जाए तो भी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता है। एम्बियंट लाइट सेंसर, यह सेंसर फ़ोन की लाइट को कंट्रोल करता है। आपने अपने फ़ोन को ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन तो ज़रूर देखा होगा, जो आसपास की लाइटनिंग कंडीशन के हिसाब से स्क्रीन की ब्राइटनेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। जब आप इंडोर या अंधेरे में होते हैं तो यह ब्राइटनेस को बिल्कुल कम कर देता है, वहीं जब आप आउटडोर या सूर्य की धूप में होते हैं तो यह ब्राइटनेस को फुल कर देता है। यानी कि एम्बियंस लाइट सेंसर आपके फ़ोन की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से फ़ोन की बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। कंप्यूटर
कंपास या मैग्नोमीटर। यह सेंसर मैग्नेट यानी चुंबक की मदद से काम करता है। यह हमारे फोन में दिशा सूचक यंत्र कंपास का काम करता है। गूगल मैप में दिशाएं डायरेक्शन का पता लगाने और आपकी मौजूदा करंट लोकेशन का पता करने के लिए इसी सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यह सेंसर मैग्नेटिक फील्ड को मापने का काम भी करता है। इसके अलावा अगर आप किसी घने जंगल या समुद्र के बीच में खो गए हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी दिशा की तरफ है, तो आप इस सेंसर की मदद से अपने फोन में देख पता लगा सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर। इस सेंसर के बारे में शायद ही मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं पहले से। तो ये सिर्फ महंगे स्मार्टफोन में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब ये तो कम बजट वाले स्मार्टफोन्स में भी आसानी देखने को मिल जाते हैं। सेंसर मुख्यतः सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से आप अपने अंगूठों की छाप फिंगरप्रिंट से अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। इससे काफ़ी सेफ और सिक्योर माना जाता है। बैरोमीटर। यह सेंसर आपको कुछ गिने चुने स्मार्टफोन में ही देखने को मिलता है। यह किसी स्थान विशेष की समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के काम आता है। साथ ही कुछ हेल्थ से रिलेटेड ऐप्स में भी इसका उपयोग होता है, जो आपको यह बताती है कि किसी पहाड़ पर आपने कितनी चढ़ाई की और कितने नीचे उतरे हैं। यानी कि पर्वतारोहण का रिकॉर्ड रखने वाली फिटनेस ऐप्स में यह सेंसर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्मामीटर। वैसे तो हर फोन के अंदर थर्मामीटर सेंसर होता है, जो फोन के अंदर का तापमान इंटरनल टेम्परेचर मापने के लिए यूज होता है, जैसे कि सीपीयू का तापमान। लेकिन कुछ महंगे स्मार्टफोन में बाहर का तापमान मापने के लिए भी अलग से एक थर्मामीटर सेंसर होता है, जो आपके आसपास के वातावरण का तापमान भी बता देता है। इस सेंसर की मदद से आप यह जान सकते हैं कि आपके फोन जहाँ रह रहे हैं वहाँ का तापमान कितना है। इसके अलावा मौसम विभाग के उपकरणों और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि माइक्रोवेव ओवन फ्रिज आदि में भी इस सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। पेडोमीटर। यह सेंसर ज़्यादातर फिटनेस बैंड में देखने को मिलता है। स्मार्टफोन में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए यह आपको सिर्फ गिने चुने फ्लेक्स स्मार्टफोन में ही देखने को मिलेगा। यह आपके फुट स्टेप्स को बिल्कुल सही तरीके से काउंट कर सकता है। हालांकि यह काम एक्सेलेरोमीटर सेंसर भी कर सकता है, लेकिन एक्सेलेरोमीटर सेंसर की गुणवत्ता पेडोमीटर की जितनी एक्यूरेट नहीं होती, इसलिए फिटनेस बैंड में पेडोमीटर सेंसर का ही इस्तेमाल किया जाता है। एयर ह्यूमिडिटी सेंसर। एयर यानी हवा और ह्यूमिडिटी यानी नमी, अर्थात हवा में मौजूद पानी की मात्रा। एयर ह्यूमिडिटी सेंसर आपको यही बताता है कि आपके फोन के आसपास मौजूद हवा में नमी की मात्रा कितनी है। अगर आपके पास के वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और मौसम खराब होने लगता है, तो यह सेंसर आपके फोन के माध्यम से आपको एक वार्निंग भेज देता है, जिसमें बिगड़ते हुए मौसम की जानकारी होती है। आपको बताना चाहूँगा कि यह सेंसर भी स्मार्टफोन में बहुत कम देखने को मिलता है। यह आपके सैमसंग के कुछ फ्लैगशिप स्मार्टफोन में ही देखने को मिलेगा। इंफ्रारेड सेंसर। इस सेंसर को आईआर सेंसर और रिमोट सेंसर भी कहा जाता है। इसकी मदद से आप अपने फ़ोन को रिमोट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टीवी रिमोट, एसी रिमोट, सेटअप बॉक्स रिमोट, डीवीडी प्लेयर रिमोट आदि। यानी कि इस सेंसर की मदद से आप अपने रिमोट से ऑपरेट होने वाले उपकरणों को आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। यह सेंसर आपको Xiaomi के फोन्स में आसानी से देखने को मिल जाएगा।